हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ एक, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज। बच्चों, आपको अपनी बात कहने या दूसरों की बात समझने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे दिए गए चित्र में अध्यापिका बच्चों से बोलकर उनके नाम पूछ रही है। बच्चे सुनकर अपने नाम बता रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मैडम, मेरा नाम भुवन है। अध्यापिका द्वारा बोलकर पूछना भाषा का मौखिक रूप है। जब हम बोलते हैं या सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस चित्र में अब अध्यापिका अपनी बात लिखकर बता रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। अध्यापिका द्वारा लिखकर अपनी बात कहना भाषा का लिखित रूप है। जब हम अपनी बात लिखकर कहते हैं या पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अतः भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। अब इस चित्र में अध्यापिका संकेत करके मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को शांत रहने के लिए कह रही है। यहाँ अध्यापिका द्वारा संकेत करना सांकेतिक भाषा का रूप है। जब हम संकेत करके समझाते हैं या दूसरों के संकेत समझते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संक्षेप में, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना तथा संकेत करना भाषा है। थैंक यू बच्चों।